हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे डाउट थे बीएड के रिगार्डिंग कि जो बीएड है वो 1 ईयर का कब से होगा, क्या वो ग्रेजुएशन के बाद से होगा या फिर कब से होगा, है ना, क्या हम प्राइवेट बीएड कर सकते हैं डिस्टेंस एंड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे डाउट थे कि भाई जो एनईपी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सारे डाउट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आपकी इस वीडियो से क्लियर हो पाए। और देखिए, हम ना स्टूडेंट्स के डाउट्स को लेंगे, उनके हम क्वेश्चंस देखेंगे और उनके क्वेश्चंस का हम लोग आंसर करेंगे, तो वहीं से आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि आपकी बीएड की, है ना, कि भाई जो बीएड है, पहले तो ये बता दूं कि आपका बीएड किस किस के लिए 1 ईयर का होने वाला है, ठीक है। सो एक मिनट, ये क्वेश्चन पूछा है, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मयंक राजपूत जी का क्वेश्चन है और इन्होंने पूछा है कि आफ्टर पीजी बीएड कोर्स इज वैलिड फॉर 1 ईयर और नॉट एज अ रूल ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022, प्लीज रिप्लाई। यस, देखिए मैं आपको बता दूं, मयंक राजपूत जी, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता है तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। देखो, ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जब आपकी एनईपी 2020 आई थी, ठीक है, एनईपी 2020 है, सो एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि भाई आपकी जो बीएड है वो पीजी के बाद, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उसके बाद आप लोगों का बीएड 1 साल का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो, अगर हम 12th के बाद बीएड करेंगे तो वो आपका 4 साल का रहेगा, मतलब जैसे होता है ना इंटीग्रेटेड कोर्स जिसे हम बोलते हैं, 12th के बाद आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका साथ में रहेगा, यानी अगर किसी को बीए बीएड करना है वो कर सकता है, बीएससी बीएड होता है, तो इस तरीके से इसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स बोलते हैं। तो ये आप लोगों का 4 साल का रहता है, 12th के बाद रहेगा। ओके, इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद बीएड करोगे तो वो आपकी वही 2 साल की रहेगी। लेकिन अगर आप पीजी के बाद, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर आप बीएड करने की सोच रहे हैं तो वो आप लोगों का अब 1 साल का हो जाएगा। जैसे इन माय केस, जैसे मेरे केस में अभी तक एनईपी लागू नहीं थी, ठीक है, एनईपी तो अभी आई है। सो हम लोगों ने, मैंने जो अपना बीएड करा है, मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करा है ना, बट मेरा जो बीएड है वो बेसिकली 2 साल का ही है। बट आप लोगों के केसेस में अब ये चेंज हो जाएगा कि भाई आप लोगों का जो बीएड है अब वो 1 साल का हो जाएगा फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, है ना, ये आप ध्यान रखना। तो पीजी के बाद अगर आप बीएड करते हैं, अब बात आती है कि ये लागू कब से होगा, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, अभी तक क्या है ना कि सारे रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं, पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं, बट मेन बात आती है कि ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होती भैया। तो इम्प्लीमेंट भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में था कि हम इसको कर रहे हैं, बट अभी उन्होंने भी नहीं किया है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, भाई कब से ये चीज़ लागू हो जाएगी, बहुत बड़ा डाउट है। तो देखो, ऐसा होप है कि शायद जो आपका नेक्स्ट सेशन रहेगा, यानी कि आपका जो अगला साल 2023 से, है ना, अभी तो 2022 चल रही है, सो 2023 का जो नेक्स्ट सेशन रहेगा, हो सकता है तब से आप लोगों का ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रूल्स वगैरह सारे इम्प्लीमेंट हो जाएं। बट देखो, मैं आप लोगों को प्लीज़ ये चीज़ सजेस्ट करती हूँ, जैसे कुछ स्टूडेंट्स अगर इस वेट में हैं कि चलो अच्छी बात है, क्योंकि अब तो ये वाला सेशन गया आप लोगों का, जिसको बीएड करनी थी उन्होंने एडमिशन ले लिया, अब जो लोग पीजी की बात करना चाह रहे हैं वो सोच रहे हैं कि जब न्यू वाला आ जाए तब से करें। तो देखो भाई, अगर आप लोगों का जब आपका नेक्स्ट सेशन बीएड का स्टार्ट होता है, आपके फॉर्म्स वगैरह आते हैं, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, अगर आपका उससे पहले ये रूल इम्प्लीमेंट हो गया 1 साल वाला, ठीक है, तो आप वेल एंड गुड। अगर नहीं होता है तो प्लीज़ आप फिर आगे के लिए वेट मत करना कि अब जब होगा जब करेंगे, फिर आपका पता चला कि आपका पूरा जो आपका न्यू सेशन है वो भी आपके हाथ से चला जाए और वो फिर 1 साल बाद आए, तो वही आपका 2 साल वाली बात ही पड़ेगी, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। अगर तब तक आप लोगों का इम्प्लीमेंट हो जाए आपके न्यू फॉर्म्स आने से पहले बीएड के, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जिसको एडमिशन लेना है भाई वो ले लेना, ओके, और बीएड में लेना। सो इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि क्या डिफरेंस है बीटीसी बीएड एंड ऑल सब में, तो वो हम बाद में बताएंगे आपको। चलिए, तो पहला डाउट ये था, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट डाउट की तरफ बढ़ते हैं। और जिसने भी, जो भी हमारे चैनल पे न्यू है और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इसी तरह की न्यूज़, वैकेंसी डिटेल्स, और अभी हम काफ़ी जल्दी लाइक प्रिपरेशन भी स्टार्ट कराएंगे सीटेट एंड ऑल के लिए, और भी देखेंगे, तो आप लोग कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, है ना, और आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कॉमेंट भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट डाउट देखते हैं, जो कि स्टडी विद प्रैक्टिकल्स जिन्हें पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कैन बी डू कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन विद बीएड प्राइवेट। देखो, बीएड प्राइवेट इज इन द सेंस कि बीएड जैसे एक तो होता है प्राइवेट कॉलेज से करते हैं, ठीक है, और एक होता है कि हम गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, और एक होता है कि जैसे डिस्टेंस वगैरह। तो अब बीएड प्राइवेट, या तो हो सकता है आप डिस्टेंस के लिए पूछ रहे हो या फिर वही चीज़ है। देखो, प्राइवेट कॉलेजेस का बस ये डिफरेंस रहता है कि आजकल जैसे हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं,
तो हमको थोड़ा जाना वाना पड़ता नहीं है, मतलब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं जाना होता, जाना होता है, जैसे इंटरनल्स वगैरह होते हैं, आप जाओ बीच में, आप क्लास भी लो, क्योंकि आपको जब पता ही कुछ नहीं होगा तो आप क्या एग्जाम्स में करके आओगे, थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा बीच बीच में जाते हैं, ऐसा नहीं कि रेगुलर बेसिस पे हम लोग जा रहे हैं कि भैया डेली डेली क्लासेस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा बीएड प्राइवेट इन द सेंस वही है कि प्राइवेट कॉलेजेस से करने का ये अपना फ़ायदा हो जाता है कि आप आराम से अपना जिस भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहो आराम से करो, कोई नीड नहीं है कि डेली डेली आप लोग कॉलेजेस जा रहे हो। जैसे इन माई केस मैंने भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड करा, तो मैं नहीं जाती थी, मतलब रेगुलर नहीं जाती थी, कभी कभार चली जाती थी, इसे कॉलेजेस में इंटरनल्स वगैरह होते थे तब मैं जाती थी, और उसके साइड में मैं अपना घर पे आराम से बैठ के अपनी जो भी मेरी लाइक ड्रीम है, मतलब सेल्फ सिविल सर्विसेज के लिए मैं बेसिकली तैयारी कर रही हूँ, तो बस मैं अपनी तैयारी कर रही थी और शायद साथ में अपना बीएड वगैरह की, ठीक है कि अब जो बुक्स वगैरह होती थी एक टाइम मैनेज कर लिया था, तो उसमें अपना बीएड वगैरह का भी पढ़ती रहती थी जैसा भी रहता था, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बिल्कुल किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कीजिए, जज की कीजिए, टीचिंग की कीजिए, किसी की भी कीजिए, है ना, सो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल विरदी जी का, और उन्होंने पूछा है कि एम कॉम के बाद बीएड करना कैसा रहेगा। जी बिल्कुल बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप एम कॉम के बाद कीजिए, आप एमएससी के बाद कीजिए, आप एमए के बाद कीजिए, यानी कि पीजी के बाद, अब तो वैसे भी बीएड आपका एक साल का हो जाएगा, भगवान करे जल्दी से लोग इम्प्लीमेंट कर दें ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए, सो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये कि जब आप सीटेट वगैरह देंगे उस केस में थोड़ा ग्रेजुएशन वगैरह में मार्क्स आपके 50% एटलीस्ट होना चाहिए ताकि आप लोग सीटेट वगैरह का एग्जाम इजीली दे पाएं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश कुमार राठौर जी ने, इन्होंने पूछा है कि बीएड डिस्टेंट मोड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। जी बिल्कुल कर सकते हैं राकेश जी, बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे इग्नू वगैरह है और भी लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़, आई थिंक जम्मू एंड ऑल में भी यूनिवर्सिटी है, तो इसे इग्नू कराती है, ठीक है, और इसकी अपनी एक खुद की वैल्यू होती है इग्नू की, ऐसी बात नहीं है, उसकी अपनी वैल्यू है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जॉब भी मिल जाती है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं इग्नू वगैरह से। बस ये है कि उसके कुछ अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, उनको आप एक लोग जब भी मतलब एडमिशन वगैरह लें तो एक बार देख लें कि क्या आप उनको फुलफ़िल कर पा रहे हैं या नहीं, तो बस ये वाली चीज़ है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेश किंग ऑफिशियल जी का, उन्होंने पूछा है कि अगर किसी के ग्रेजुएशन में परसेंट कम है ओके, तो क्या वो दो बार ग्रेजुएशन कर सकते हैं डिस्टेंस से। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ऐसा होता है कि जब हम बीएड में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए सपोज हम ग्रेजुएशन के बेस पे ले रहे हैं तो हमारे 50% होना मस्ट होता है, या फिर अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पे भी ले रहे हैं तो भी आपका 50% होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स नहीं है, परसेंट कम है 50 से, है ना, तो नो नीड टू वरी, आप लोग डिस्टेंस से अपना ग्रेजुएशन कर लीजिए उसके बाद, यानी कि उस तभी, क्योंकि बीएड में एडमिशन भी आप तभी ले पाएंगे जब आपका ग्रेजुएशन में इतना परसेंट होगा, तो फिर आप जब एडमिशन ले तो आपका जो सेकंड वाला ग्रेजुएशन होगा उसके मार्क्स आप लोग लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टडी विद प्रैक्टिकल्स जी का ही है, मैम क्या बीएड प्राइवेट करने से जॉब मिलने में प्रॉब्लम होती है गवर्नमेंट और प्राइवेट बोथ सेक्टर्स। नहीं नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से करो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करो, चाहे आप किसी से भी करो, है ना, बस डिग्री होना मस्ट है आपके पास। हाँ बट कॉलेजेस ऐसा चूज़ करें जो थोड़ा मतलब जो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए वो आप लोगों की रिकॉग्नाइज्ड वगैरह होनी चाहिए, यानी कि किसी से भी बस कर लिया कि मान लीजिए मान्यता प्राप्ति नहीं और आपने ऐसी से कर लिया, ऐसा नहीं, थोड़ा देखभाल के करें, बट हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और डाउट था, एक मिनट, हाँ ये है साजिद हसन जी का, जी बीएड एक साल में एमए वालों के लिए कब होगा, ये जल्दी लागू होना चाहिए। फिर से वही, बीएड एक साल में एमए वालों के लिए कब होगा, ये जल्दी लागू होना चाहिए। बीएड एक साल में एमए वालों के लिए कब होगा, अगर आप इसको एक बार भी लिखते तो मैं समझ जाती, बट कोई बात नहीं, आपकी फीलिंग्स में समझ रही हूँ। जी बिल्कुल होगा, एमए वालों के लिए जो बीएड है वो एक साल का होगा, बिल्कुल होगा, ये एनईपी के अकॉर्डिंग है। बट ये है कि अभी बस देखो कि कब से ये चीज़ आपकी इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, मेन चीज़ ये है कि इम्प्लीमेंट कब से होता है, तो होप्स होगी नेक्स्ट सेशन से आप लोगों का इम्प्लीमेंट हो जाए, तो बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल जल्दी तो होना ही चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली आप लोगों के बीएड से रिलेटेड डाउट्स थे, तो मेरे को आपको मेन यही चीज़ बताना था कि भाई देखो जिन्होंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन करा है उनके लिए बीएड एक साल का हो जाएगा, ग्रेजुएशन के बाद दो साल का, और ट्वेल्थ के बाद करते हो तो इंटीग्रेटेड में आ जाता है जो कि चार साल के लिए होता है, ठीक है। अब आप लोगों की मर्जी है, बट वही है कि आप लोग किसी मतलब आप लोगों का लॉस नहीं होना चाहिए कि आप लोग पता चला अभी आपका ये वाला रूल इंप्लीमेंट हुआ नहीं अगले साल भी और आप लोग बैठे हैं आराम से और आप लोगों का एक साल वेस्ट, तो ये वाली गलती मत करना, देखना किस हिसाब से कैसे होता है। इसके अलावा कोई भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं तो आप बिल्कुल कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, ओके। सो तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ एक लाइक अगर आपको वीडियो पसंद आती है, और शेयर भी करें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, एंड थैंक यू सो मच अगेन।